मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का दत्तात्रेय साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। इसमें साबर साधना में सिद्धि के साथ सुरक्षा व सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, इसलिए आपके लिए ये पूजा कराना अनिवार्य माना जाता है। इस पूजन में नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चने, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि अड़चनों का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन पुस्तक से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अष्टलक्ष्मी साधना की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अष्टलक्ष्मी प्रयोग क्या होता है। याद रखें, मंत्र और बीज मंत्र में कुछ अंतर होते हैं। मंत्र में ओम लगाया जाता है, बीज मंत्र में ओम नहीं लगाया जाता। तो जो बीज मंत्र होता है मंत्र की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली और अचूक माने जाते हैं। आज जो कुछ उपाय हम बता रहे हैं आपको वो बीज मंत्र के आधार पर है। तो अष्टलक्ष्मी बीज मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी के सैकड़ों स्वरूप हैं, उनमें से उनके 8 जो स्वरूप हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। और वो स्वरूप हैं आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। ये माता जो लक्ष्मी हैं इनके अंदर शक्तियाँ बहुत होती हैं। ये मनुष्य के सभी प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक मनोकामनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति करती हैं। तो ये 8ों लक्ष्मियों की साधना को भी बीज मंत्र के द्वारा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। मंत्रों के द्वारा तो साधना होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीज मंत्र के द्वारा साधना करना, इनके जप करना, इनकी उपासना करना, इनकी आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एक कहावत कही गई है कि लक्ष्मी और मन, ये दोनों चंचल होते हैं, चंचला कहा जाता है, इनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। तो मन को रोकने के लिए प्राणायाम की जरूरत पड़ती है और लक्ष्मी को रोकने के लिए विशिष्ट प्रकार के मंत्रों की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मी को रोकने की पद्धति को आबद्ध करना कहते हैं, आबद्ध यानी अष्ट लक्ष्मी को आबद्ध करना, रोकना। 1%, 2% भी, 0.5% भी अगर लक्ष्मी रुकती है तो भी आप भाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचला है, ये एक जगह पर रुकती ही नहीं। अगर 0.5% भी रुके तो उसका लाभ कई गुना मिलता है। आज उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, अष्टलक्ष्मी बीज मंत्र। इंसान के भौतिक जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो अपने परिवार को, अपने पूरे खानदान को, जिनको वो चाहता है, जिनको वो प्रेम करता है, हर प्रकार का सुख देना चाहता है, उसे किसी चीज की कमी होने नहीं देना चाहता, उसके लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत मेहनत करता है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते। जो सफल नहीं होते बेचारे निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जब ये अगर साधना करते हैं तो आपके अंदर, मैंने कहा, कर्म शक्ति और अध्यात्म शक्ति, ये दोनों मिलकर आपके भाग्य को परिवर्तित करने का कार्य करती है। फिर चाहे आप नौकरी कर रहे हों तो नौकरी में कोई अड़चने आ रही हैं, नौकरी में सुरक्षा की अड़चन आ रही है, आगे बढ़ने में अड़चने आ रही हैं, तो आपको ये मंत्र से, ये बीज मंत्र से महसूस होगा कि जिससे आपको लाभ मिल रहा है। पारिवारिक जीवन खुशहाल नहीं है तो ये मंत्र से आपको लगेगा कि जैसे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आ गई है। मियाँ बीवी में अनबन चल रही है तो ये मंत्र से आपको लगेगा जैसे मियाँ पति पत्नी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सामान्य हो रहा है। संतान सुख की कमी है तो इस मंत्र के द्वारा आपको महसूस होगा कि जैसे उनके जीवन में पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ गई है। शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको महसूस होगा
के धीरे धीरे शत्रु शांत हो रहे हैं, उनका प्रभाव हम पर कम हो रहा है, व्यापार में कमी आ रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है। तो इस मंत्र के द्वारा आपको ये महसूस होगा कि जैसे व्यापार धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ता चला जा रहा है, गति से बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। कहने का मतलब है कि हर तरह का सुख, सुख सिर्फ धन को नहीं कहा गया है। अगर धन को सुख कहा जाता तो जितने भी धनवान व्यक्ति हैं बहुत सुखी होते हैं। किसी को बच्चे नहीं हैं, किसी के परिवार में अनबन है, किसी को शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, तो इंसान सुखी कहाँ हुआ, भले कितना भी धन हो आपके पास। सभी तरह का सुख आपको चाहिए होता है, माता अष्टलक्ष्मी की कृपा से ये सुख हमें प्राप्त होते हैं। आज इन्हीं की साधना करने की विधि आपको बताई जा रही है। माता अष्टलक्ष्मी का बीज मंत्र का प्रयोग कैसे करें ये जानने की कोशिश करेंगे। गिरे ढले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा बनाएं, इसको सुप्रीम मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा बनाने के बाद दोनों आंखों के बीच में पिंच करके, यानी आज्ञा चक्र, इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, इस जगह को पिंच करके आंख बंद कर लें और 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद अष्टलक्ष्मी बीज मंत्र, ऐं श्रीं क्लीं अष्टलक्ष्मी वौषट, ऐं श्रीं क्लीं अष्टलक्ष्मी वौषट, ऐं श्रीं क्लीं अष्टलक्ष्मी वौषट। एक बार फिर से इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ऐं श्रीं क्लीं अष्टलक्ष्मी वौषट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज कम से कम 2-3 फुट के दूरी पर न जाए, यानी सामने कोई बैठा है तो उसको आपकी आवाज सुनाई नहीं दे, इस बात का ध्यान देना चाहिए। इस मंत्र को 11 माला 21 दिन तक जाप कर रहे हैं, 11 माला 21 दिन तक, यानी इस बीज मंत्र को 11 माला 21 दिन तक जाप करें। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। इस मंत्र को रुद्राक्ष माला छोड़कर किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, 11 माला 21 दिन, यानी रुद्राक्ष माला को छोड़ दें तो किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप माला से जाप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की मुद्रा लगाएं, आधे घंटे तक इस मंत्र का रोज जाप करें 21 दिन, और 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। बहुत आसान है, कोई नियम नहीं है, कोई विधि विधान अलग से कुछ नहीं है। एक नियम है, जब दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र का जाप करते हैं तो कोई खास प्रकार की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं रहती, और कोई आपको मतलब इससे आपको बेनिफिट बहुत मिलता है। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार, किसी भी पुष्य नक्षत्र से, किसी भी पूर्णिमा से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब जानते हैं इस साधना के कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में है, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई ना कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3-5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।